हेलो दोस्तों, मैं सोनी आनंद और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीवी जगत के नए उभरते हुए कलाकार रजत वर्मा के बारे में। रजत वर्मा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता है जो मुख्य रूप से टीवी सीरियल्स में काम करते हैं। वैसे तो रजत वर्मा कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी बेहद टू सीरियल से। बेहद टू सीरियल में उन्होंने ऋषि रॉय के रोल में अपने अभिनय के दम पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस सीरियल में उन्होंने टीवी जगत के बड़े बड़े स्टार जेनिफर विंगेट, सिविन नारंग जैसे स्टार के साथ काम किया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबा दें। रजत वर्मा का जन्म 5 अक्टूबर 1995 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। उनकी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है और वह अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अपने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ गए और वहां के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज नोएडा दिल्ली से मास कम्युनिकेशन से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। रजत वर्मा की फैमिली नोएडा में रहती है और वो भी अपने फैमिली के साथ नोएडा में ही रहते हैं। उनके पिता का नाम अजय कुमार वर्मा है और माता का नाम सपना वर्मा है। रजत वर्मा के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो उनकी हाइट 6 फीट है और आंखों और बालों का रंग भूरा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रजत वर्मा के कैरियर के बारे में। रजत वर्मा जब नोएडा में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि यह फील्ड उनके लिए नहीं है और उन्होंने छोड़ दिया। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई छोड़ने के बाद उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हुआ और उन्होंने साल 2014 में एक्टिंग सीखने के लिए RAS थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। एक्टिंग सीखने के दौरान ही उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम नजर बट्टू था और वह इस तरह से एक यूट्यूबर भी बन गए। नजर बट्टू में उनकी फेमस वेब सीरीज नालायक पार्ट 1 और नालायक पार्ट 2 को काफी प्रसिद्धि मिली थी। रजत वर्मा का पढ़ाई छोड़ एक्टिंग की तरफ आना उनके फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में जब उन्हें धीरे धीरे टीवी सीरियल्स वगैरह मिलने लगे तो उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करने लगी। साल 2016 में रजत वर्मा अपने कैरियर की शुरुआत टेलीविजन के पॉपुलर रोमांटिक शो अगर तुम साथ हो से की है। इस सीरियल में रजत वर्मा लीड अभिनेता के भाई चंदन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद रजत वर्मा ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में भी काम किए। इसके बाद रजत वर्मा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए और टीवी कमर्शियल्स में काम करने लगे। टीवी कमर्शियल में काम करने के साथ साथ वो ऑडिशन भी दिया करते थे। ऑडिशन के दौरान ही उन्हें बेहद टू सीरियल के लिए ऑफर हुआ और वो इस सीरियल में ऋषि रॉय के किरदार के लिए फिट बैठ गए। इस सीरियल से रजत वर्मा को काफी सफलता मिली थी, जिसमें वो ऋषि रॉय के रोल से घर घर में पहचाने जाने लगे थे। इस सीरियल में ऋषि रॉय का रोल एक ऐसे लड़के का था जिसमें उन्हें अपने से बड़ी उम्र के लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर जाए। बेहद टू सीरियल साल 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन 2020 में लॉकडाउन के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद वो आफत सीरियल में श्रीधर के रोल में नजर आए, लेकिन इस सीरियल को भी लॉकडाउन के कारण बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्हें मौका मिला सोनी टीवी के पॉपुलर शो इश्क पर जोर नहीं से, जिसमें वो कार्तिक के रोल में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं और यह सीरियल अभी कंटिन्यू चल रही है। 2020 में रजत वर्मा MTV निषेध पे नालायक वेब सीरीज में गौरव के रोल में भी नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे रजत वर्मा के बारे में अभी तक की पूरी जानकारी दी हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।